वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूँ गाइस, जैसे कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स आपके फेवरेट होंगे, बट गाइस मैंने काम स्टार्ट किया है टी शर्ट्स का। अगर आपको टी शर्ट्स चाहिए जिसमें कि आपके फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन आगे बने हों, तो गाइस वो भी आप लोग मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपना इंस्टाग्राम दे दूंगा। वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज करके जौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन आपको टी शर्ट में चाहिए वो आप कर सकते हैं, फ्री शिपिंग होगी गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो व्हाट्सअप, तो आज इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट लेजेंडरी पोकेमॉन इन पोकेमॉन गो। तो आप लोगों को सबको पता है लेजेंडरी पोकेमॉन कैसे मिलता है, बट उसके बाद भी लोग एक चीज़ बार बार बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम हो या कमेंट सेक्शन हो, वो ये बोलते हैं कि भैया ट्रेड कर लो, ट्रेड कर लो, ट्रेड कर लो। तो ट्रेड करने से क्या होता है, लेजेंडरी पोकेमॉन तो आपको मिल जाएगा, बट उसके बदले आपको एक बहुत बड़ी कॉस्ट देने पड़ती है गाइस। वो कॉस्ट होती है आपकी स्टार डस्ट की गाइस, ठीक है। जैसे कि ये पोकेमॉन है, ये देखिए, आप देखें इसकी आईवीज हैं, 100 आईवी है गाइस, ठीक है, डियाल का पोकेमॉन है। अब ये लेजेंडरी पोकेमॉन, इसको मैंने ट्रेड कर लिया किसी के साथ। सबसे पहले गाइस, अगर वो बंदा बिल्कुल नया है पोकेमॉन गो में, तो मेरे पास पहली बार ट्रेड पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी स्टारडस्ट नहीं है, बहुत स्टारडस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा। अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए फिर भी मैं ट्रेड करूँ, तो स्टारडस्ट तो कम लगेगी, बट फिर भी इसकी जो आईवीज हैं, 100 आईवी आप देख रहे हैं ना, ये 100 आईवी नहीं रहेंगी, ये 80 आईवी, 60 आईवी, 70 आईवी ऐसे बन जाएंगी। और आईवीज का बहुत बड़ा रोल है गाइस पोकेमॉन गो में, खासकर ये तो वो 100 आईवी के जो पोकेमॉन होते हैं मास्टर लीग में बेस्ट होते हैं गाइस, क्योंकि इनके स्टैट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और जब इनको ट्रेड कर लेंगे तो ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे। तो क्या तरीका है कि गाइस हम लोग इनकी आईवीज भी ना खोएं और लेजेंडरी पोकेमॉन भी अच्छी आईवी के मिल जाएं, तो ये टॉपिक इस वीडियो में है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दो। पोकेमॉन गो गाइस एक साल में लगभग सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन रिपीट कर देता है। अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक खेल रहे हैं, तो आपको जितने भी पोकेमॉन जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन पोकेमॉन गो में हैं, वो सब आपको रेड के थ्रू इजीली मिल जाएंगे। अब बात आती है कि जो नए प्लेयर हैं जिनके लेवल 30 से नीचे हैं, उन लोगों को लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पहली बार रेड अगर जीत भी जाएंगे तो भी वो पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके कैचेस अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप वाले पोकेमॉन कैच करने पड़ेंगे। जैसे ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन तो खूब कैच करो, आपका जो भी इवेंट चल रहा है उसमें खूब पोकेमॉन कैच करो, स्पॉटलाइट अगर खूब खेलो, उससे कैच आपके बढ़ेंगे, और उससे क्या होगा कि आपका कैचिंग जो स्टाइल होगा वो अच्छा हो जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग रेड्स भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो रेड्स कर ही नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये रहेगा गाइस, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं 59 रुपीज़ की। हर वेडनेसडे गाइस हम लोग रेड आवर खेलते हैं, वहाँ पर आपको इन्वाइट कर देंगे, जहाँ से कि आप लोग रेड करके एटलीस्ट एक एक लेजेंडरी पोकेमॉन तो गेट कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज़ पोकेमॉन गो में इतना नहीं है, क्योंकि मास्टर लीग खेलने के लिए आपको लेवल 40 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। मेरा लेवल 43 है, बट मैं मास्टर लीग नहीं खेल पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सल पोकेमॉन्स नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेड्स करनी पड़ती है। आप खुद देखिए, मेरा हाईएस्ट सीवी पोकेमॉन ये है गाइस, और इसके पास भी एक्सल कैंडीज नहीं है, मतलब मुझे म्यूटू पकड़ते हुए कितना टाइम हो चुका है, बट अभी भी मैं इसको एक्सल म्यूटू नहीं बना सकता हूँ। तो उसके लिए गाइस मुझे बहुत ज़्यादा रेड्स करनी पड़ेंगी, और रेड्स करना एक बहुत बड़ा टास्क है, वो भी इंडिया में रह के गाइस। तो उसके लिए बेस्ट कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। लेजेंडरी पोकेमॉन लेने के तरीके बहुत सारे हैं पोकेमॉन गो में। सबसे पहला तरीका गाइस आपका रेड्स है, उसके बाद जीबीएल में गाइस आपको मिल जाएगा, रेयरिटी थोड़ी बढ़ गई है बट जीबीएल मिल जाता है। और तीसरा तरीका गाइस आपका ये है रिसर्च, आपको रिसर्च में भी लेजेंडरी पोकेमॉन मिल जाते हैं, बट वो रिसर्च बड़ी यूनिक होती है, बहुत रेयर होती है, और वो किसी ना किसी इवेंट में मिलती है, हर साल आपको मिलती है। जैसे इस साल की अगर मैं बात करूँ, जो ये साल चल रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं जो लेजेंडरी पोकेमॉन रिसर्च से पकड़े, पहले वो दिखा देता हूँ, अभी जल्दी की बात है। तो यहाँ पर रिसेंट में करके लेजेंडरी पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास जो लेजेंडरी पोकेमॉन जो रिसर्च से मिले वो आपको दिखाता हूँ। जैसे लाटियो से गाइस, ये वाइल्ड में, अभी वाइल्ड में मिल रहा था, गो टूर के दौरान ये वाइल्ड में अपेयर हो रहा था गाइस। वैसे एक्स्यू वेजल्फ, ये जो लेक ट्रायो है, ये वाइल्ड में मिल जाता है, बट ये भी बहुत रेयर है गाइस, ठीक है। और जैसे कि रेक्वाजा, देखें रेक्वाजा भी रिसर्च में आ चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेजी रॉक, ये आप देखेंगे गाइस कि मैंने रिसर्च से टाइम रिसर्च लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस रेजी आइस टाइम रिसर्च से पकड़ा हुआ है, ये देखिए गाइस शाइनी रेजी स्टील, ये भी टाइम रिसर्च से पकड़ा हुआ है गाइस। वहीं पर अगर नीचे चलेंगे तो हर साल मिलता है, पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल भी मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन रिसर्च से मिले हैं गाइस, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि गाइस ये शायद से, ये देखिए गाइस टाइम रिसर्च से मिला है मुझे राइकू, ये देखिए गाइस टाइम रिसर्च से मिला है मुझे एंटाए, और ये गाइस देखिए टाइम रिसर्च से मिला है मुझे सुइकून। तो ये भी लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि टाइम रिसर्च से मिल जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेड के ऊपर ध्यान ना दो, गेम के ऊपर ध्यान दो, और अगर मेरे साथ रेड्स करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। बाकी स्पूफिंग तो आप कर ही रहे हैं, और वीडियो चलो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।